हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान। अभी हम रात को आए हैं, देर में काम करके अपना लोडिंग वोडिंग अपने फ्री करके। सिटी के अंदर खूब बारिश हुई थी, लेकिन यहाँ तो खूब बारिश ही नहीं हुई। ले अब देखिए, पूनम जी अपनी चुन्नी पे उड़ा गा रही है और हमारी बिटिया किरण मुंह छुपा रही है। ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाते तो यूट्यूब रेवेन्यू ढंग से नहीं बढ़ाता है, क्योंकि शॉर्ट्स के ऊपर इतने नहीं मिलता है हमारे को। फ्रेंड्स, हमारे को क्या है कि काफ़ी हमारी मजबूरियां हैं लाइफ में, इस वजह से हम यूट्यूब के ऊपर अपना ब्लॉग और वीडियो बनाते हैं। आप हमारा सपोर्ट करें तो हमारी ज़िंदगी और थोड़ी सरल हो सकती है। रात के टाइम पे ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दिन भर में टाइम नहीं मिलता है, कमर में भी दर्द हो रहा है, काम थोड़ा भारी है हमारा, इस वजह से कमर में कभी खिंचाव हो जाता है, कभी कहाँ। पूनम के भी दर्द रहता है कंधे में, हाथ में प्रॉब्लम रहती है। आप अगर कुछ जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हमारी पूनम की तबीयत थोड़ी ठीक हो सके, कंधे में दर्द, हाथ का दर्द ठीक हो सके। प्लीज मेंबर्स, हमारा साथ दीजिए। आप लोगों के साथ से हमारा चैनल अभी तक काफ़ी अच्छी चल रहा है। तो गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, आपको भी लगती होगी, उमस हो रही है बहुत ज़्यादा और बारिश कभी एक साइड होती है तो कभी दूसरी साइड, बारिश का ही अता पता नहीं है, पूरे में बारिश होती ही नहीं है। देखो हमारी किरण बिना शॉर्ट बनाए डांस कर रही है। हमारी पूनम दिन भर में थक जाती है, देखिए फिर भी अब इस टाइम पे भी है ना काम कर रही है, क्योंकि बिना काम करे हमारी है ना पूनम का हाथ पैर में दर्द होता है, बैठा नहीं जाता इससे। खैर, इंसान को हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि बिना चले इंसान का शरीर ख़राब हो जाता है। जब तक वो लाइफ में ज़िंदा है उसको काम करते रहना चाहिए, क्योंकि वही एक गाना है ना, दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे। ये देखो हमारी बिटिया किरण ने ये बैग बनाया है सुंदर सा। दोस्तों कैसा लगा, देखिए बैग हमारी बेटी किरण दिखा रही है, देखिए बैग, ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ नहीं, हमारी बिटिया ने खुद ने बनाया ये। अब हमारी बिटिया का स्कूल खुलने वाला है, हमारी बिटिया पाँचवीं में पास हो गई है, वो भी ए ग्रेड से, और अब सिक्स्थ में आ जाएगी। हमारी बिटिया आगे बढ़ना चाहती है ज़िंदगी में। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, यूट्यूब फैमिली, अभी तक आपकी कृपा से, आप सब लोगों की सपोर्ट से हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है गाइस, लेकिन सैलरी नहीं आई है। अगर आप और सपोर्ट दिखाएंगे, प्यार दिखाएंगे, तो क्या पता हमारी सैलरी आ जाए और हमारे आगे पीछे लाइफ में कोई नहीं है गाइस। अगर हमारे कल ना कुछ होता भी है तो हमारे पास तो मतलब इतना पैसा भी नहीं है कि हम हमारे इलाज करवा सके, इसलिए हम यूट्यूब पे सक्रिय हैं। तो हमारी ये सक्रियता बनाए रखने के लिए हमें बहुत सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, पूनम भारद्वाज आपसे विनती करती है, और हमारी लाइफ में बहुत कुछ ट्रेजेडियाँ हुई हैं, हमने आपको कुछ भी नहीं बताया था और बताना भी नहीं चाहिए। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो हम जरूर बताएंगे शॉर्टकट के अंदर। प्लीज़ आप सबके सपोर्ट।
देखिए दोस्तों, मुसीबतें सबकी लाइफ में होती हैं। ऐसा नहीं कहते कि हम हमारी लाइफ में किसी और की लाइफ में मुसीबतें नहीं हैं, लेकिन ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वैसे तो कहते हैं कि पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक ज़िंदा है तब तक पैसा बहुत ज़रूरी है। और हमारी लाइफ में हमने काफ़ी कुछ ऐसा झेला है जहाँ पर हमें पैसे की ज़रूरत की बहुत महसूस हुई है। इसलिए दोस्तों हम YouTube के ऊपर अपना ब्लॉग और शॉर्ट्स इसलिए बनाते हैं। अब लोग आप लोग कमेंट में कुछ हमारे को ऐसा कुछ बोलते हैं तो उसके लिए भी थैंक्स। हम ये नहीं कहते कि आपने बुरा कहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है। और YouTube पर जितने भी लोग YouTube पे ब्लॉग या शॉर्ट बनाते हैं, कोई अमीर नहीं है, सभी गरीब हैं। और गरीब थे वो पहले, लेकिन कई हैं जो सक्सेस हो चुके हैं, जो आज पैसा जिनके पास आ चुका है, वो अपनी लाइफ अच्छी बिता रहे हैं। अब देखिए, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं कि हम हमारी नौकरी कर सकें बहुत बढ़िया कोई और आप अच्छा पैसा कमा सकें, लेकिन जो हमारे को थोड़ा बहुत हमारे को आता है, हम ब्लॉग बना करके अपनी लाइफ में दिखा देते हैं आपको। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारी किसी बात का अगर आप बुरा मत मानना। भगवान ने हमारे को ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान।